वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है पीएम मोदी ने केदारनाथ में मेगा रोपवे का आधारशिला रखी है, तो हम बात इस मेगा रोपवे के ऊपर करने वाले हैं कि आखिर में ये मेगा रोपवे जो है ये क्या है, इससे जो है केदारनाथ में जो भक्तजन आते हैं उनको किस तरीके से सहायता मिलेगी, साथ में मोदी जी का इसकी आधारशिला रखने का उद्देश्य क्या है और किन किन परियोजना का जो है योजना का शुरुआत यहाँ पर करी गई केदारनाथ यानी कि उत्तराखंड के अंदर, उसको जानेंगे। तो टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ आपको जो है कहां मिलेगा, इसका टेलीग्राम पर मिलेगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम करके लिंक लिखा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आज जो है आज से फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को जो है धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना, और अच्छे से जो है एंजॉय करिएगा फेस्टिवल को और अपनी पढ़ाई का, और साथ में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है इसमें थोड़ा प्रदूषण कह लीजिए या कह लीजिए बम पटाखे जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, इससे काफी नुकसान बाद में देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, किसी भी दुर्घटना के शिकार कोई ना हो, इसका ध्यान रखिएगा और अच्छे से इंजॉय करिएगा। जिस तरीके से त्यौहार करे जाते हैं उस तरीके से करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने अभी 21 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन जो है गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और साथ में गोविंद घाट से लेकर जो हेमकुंड है उस हेमकुंड साहिब है वहां पर केदारनाथ में सड़क चौड़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है। यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर यहाँ पर दो आधारशिला रखी है, एक आपको नीचे भी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में इन्होंने 3400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजना का भी उद्घाटन करा। यानी कि कुल मिलाकर तीन परियोजना का जो है मोदी जी के द्वारा उद्घाटन करा गया है, ठीक है। अब ये जो दो उद्घाटन ऊपर हुए हैं, जैसे ये गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और केदारनाथ में सड़क चौड़ीकरण परियोजना, इसमें बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की जो है लागत लगी है और इसमें 3400 करोड़ रुपए वाली है, ठीक है। एक तो आपको ये चीजों को याद रखना है। दूसरा इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्होंने जो है यह भी घोषणा करी है कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्र में जल्द ही एनसीसी यूनिट और बटालियन और ग्रुप मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखा और कहा भी कि ये जो इन्होंने यहाँ पर इसकी घोषणा कर दी कि जो युवा है वो व्यक्तित्व विकास के लिए दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जल्द ही वो एनसीसी यूनिट और बटालियन और ग्रुप मुख्यालय की स्थापना करेंगे, ठीक है। किसकी? एनसीसी जो बटालियन होती है, यूनिट जो होती है उसकी यहाँ पे ग्रुप की मुख्यालय की स्थापना की जाएगी, ये इनकी तरफ से कहा गया। तो ये आपको याद रखना है कि मोदी जी की तरफ से कितनी परियोजना का उद्घाटन हुआ, क्या इन्होंने यहाँ पर कहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे इनके लिए आगे इन्होंने क्या कहा। अब बात आती है केदारनाथ में रोपवे परियोजना का महत्व। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आज सैटरडे है, ठीक है। आज क्या है? आज सैटरडे है और कल था फ्राइडे, ठीक है। और आपको अगर पता होगा कि चैनल का जो जो शेड्यूल है वो ये है कि फ्राइडे को आपको एक वीडियो मिलती है, और मैं कल भी बोला था मैंने 2 वाली वीडियो में कि मैं आपको जो है वीडियो दूंगा 7 बजे, और वो थी हमारी कारगिल युद्ध के ऊपर, लेकिन किसी कारणवश जो है वो वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया कल, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो है आज आपको 100% वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। कारगिल युद्ध वाली जो वीडियो वो मिलेगी, वैसे आज आपको दूसरी वीडियो मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको जो है 7 बजे कारगिल युद्ध मिल जाएगा, ठीक है। और कल 7 बजे याद रखिएगा थोड़ा, कल 7 बजे संडे वाले दिन जो है आपको क्या मिलेगा, आपको जो है डीआरडीओ जो डीआरडीओ है हमारा उसके ऊपर वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो कल जो है डिले हो गया किसी कारणवश जिससे मैं वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आपको कल जो है आज जो है मिल जाएगा और फिर कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब केदारनाथ में रोपवे परियोजना के महत्व के ऊपर बात करेंगे, तो गोरकुंडा से लेकर गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना के निर्माण ना केवल ये कथा बताया जा रहा है कि ये कनेक्टिविटी प्रदान करने के बारे में है, बल्कि वह राज्यों में आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे उनको क्या होगा, उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान मतलब उनको जो है यहाँ से एक रोजगार मिलता है, आर्थिक विकास का गति प्रदान होती है, ठीक है। राज्य में क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा और अपने घर पे पैसा ले जा पाएंगे, है ना। तो इसी यहाँ पर बोला गया कि आर्थिक विकास होता है, चीजों का निर्माण होगा, है ना, और भी चीजें यहाँ से अगर कुछ करना होगा तो वो हो जाएगी, जब कनेक्टिविटी पूरी तरीके से हो जाएगी इस साल। वही हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण हेमकुंड की यात्रा के आसान बनाएगा और दुनिया भर में सबको रोशन करेगा, ठीक है ना।
क्या कहा जा रहा है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण हेमकुंड की यात्रा को आसान बना देगा, साथ में दुनिया भर में उत्सव को रोशन भी करेगा। अब आध्यात्मिक महत्व के स्थान में विकास की पहल से भक्तों की मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जैसे बनाते हैं इसे भक्तों को मदद भी मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। अब ये विकास ये बताया जा रहा है, ये ना केवल सभी भक्तों को सुविधा प्रदान करेगा बल्कि देशों के युवाओं को भी आकर्षित करेगा, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विकास ना केवल सभी भक्तों की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि युवाओं को भी आकर्षित करेगा, कि विदेश के जो युवा है वो भी इसमें आ गए हैं, है ना। तो तरीके से अब बात आती है कि मोदी जी ने इसमें क्या कहा है उसको जानते हैं। मोदी की तरफ से देखिए क्या कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत को दो स्तरों पर विरासत पर गर्व है और सभी के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना शामिल है। मोदी तरफ से कहा गया है कि 21वीं सदी के विकसित भारत के दो स्तरों में विरासत पर जो है गर्व है और सभी विकास के लिए। आपको पता है केदारनाथ यानी कि अभी आपको पता होगा जब प्रलय आया था, जब विनाश आया था, तो मंदिर को नुकसान नहीं होता है ना, मंदिर को नुकसान नहीं होता है और ये मंदिर वैसे ही रहा जैसे पहले था। ठीक है, हालांकि तो काफी अच्छा इसको कर दिया गया है और है ना, तो वो चीज है काफी पुराना है, 21वीं सदी का विकसित भारत के दो स्तंभों में से एक माना जाने वाला है। पीएम मोदी ने माड़ा गांव जो कि चमोली के अंदर है, माड़ा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभ्य होने के लिए व्यक्ति को अपने ऐतिहासिक जो है विरासत, नैतिकता और मूल्य का सम्मान करना चाहिए और साथ में क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परियोजना और रोप वे में विकास के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब के देवताओं से आशीर्वाद लेना आसान हो गया। ठीक है, तो ये जो रखा गया है कि आपको पता है उत्तराखंड यानी कि देवभूमि कहे जाने वाला एक राज्य है। ठीक है, और स्वयं भगवान यहाँ पे विराजमान होते हैं ये कहा जाता है। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि देश में सभी विकास पहलों में समावेशित पर भी ध्यान देना चाहिए और रोपवे परियोजना दिव्यांगों को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थान तक पहुंचाने प्रदान करेगी। मतलब क्योंकि आपको पता है जाना बहुत कठिन हो जाता है, अभी तो जिनके जो बिल्कुल ठीक है वो नहीं जा पाते तो फिर दिव्यांग कैसे जा सकते, तो इन्होंने इसके ऊपर भी यहाँ पर इस बात को भी कहा है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को जाने होंगे। साथ में मेरी एक बात और याद रखिएगा कि मोदी जी ने जो है केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की पूजा भी करी थी, साथ में परियोजना की समीक्षा के लिए स्टार्ट करा और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस समय मौजूद थे इनका स्वागत करने के लिए और इनका पूरा दर्शन कराने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, अगर जाने हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। 7 बजे आज आपको जो है ब्रीफ क्या कहते हैं कारगिल युद्ध के ऊपर वीडियो मिलेगी, तो उसे देखना काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह की वो कल नहीं देखे तो जरूर देखेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।